Hello friends, students, good morning once again, welcome back. मैं एच रोशन फिर आपके सामने अपने मेड नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ. मैंने इसके पहले बायोलॉजी से संबंधित, केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित साइंस का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो डाला था, जिसमें चर्चा हुई थी कि साइंस क्या है, विज्ञान में कैसे अध्ययन करते हैं, किन बातों को ध्यान रखते हैं, विषय वस्तु क्या है, किस तरह से उसमें अध्ययन होता है. जो भी अध्ययन के वस्तु, उसके आधार पर हमने साइंस को कई शाखाओं में विभाजित करके आप लोगों को एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया. अब उसी की अगली कड़ी, अगला कदम, अगला स्टेप्स में मैं एक नया विषय शुरू करने जा रहा हूं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान. तो उसका शुरुआत करने से पहले, जो विषय वस्तु है उसके असली बिंदुओं पर आने से पहले, मैं आप लोग के सामने एक जीव विज्ञान का बायोग्राफी, एक हिस्टोरी, एक ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी चीजों से पूछी जाती है. तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी एक विषय के रूप में कैसे अस्तित्व में आया, दुनिया में इसको कैसे पहचान मिली, किन किन लोगों ने इनका योगदान दिया. तो सबसे पहले बायोलॉजी के विषय के बारे में जब भी चर्चा होती है तो एक सबसे बड़े महान विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक के रूप में अरस्तु का नाम आता है, और उन्होंने ही पहली बार इस विषय के बारे में बताने का प्रयास किया. तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि देखें तो यहां पर हिस्ट्री में सबसे पहले हम अरस्तु की बात करते हैं, जिनका जीवन काल 384 से 322 बीसी के बीच है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 384 से 322 बीसी के बीच इनका जीवन काल, और इन्हीं के समय में, अपने जीवन में इन्होंने हर क्षेत्र में, हर विषय में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम किया. और यहां पर बायोलॉजी की बात करें तो इनका सबसे बड़ा योगदान, इन्होंने दुनिया को पहला एक पुस्तक दिया, पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलम, जिसको सामान्यतः जानवरों का इतिहास कहते. अब इसमें इन्होंने पहली बार एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें जीवन के बारे में बताया गया था. इसके पहले जीवन से संबंधित या ऐसा कोई भी जीव के बारे में कोई पुस्तक दुनिया में लिखी नहीं गई थी. तो ये अपने आप में पहली पुस्तक जो जीवन पर आधारित, और जो पुस्तक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, नाम है हिस्टोरिया एनिमल. तो यह पुस्तक आया जिसमें इन्होंने पहली बार 500 प्रकार के जानवरों का चर्चा किया. तो 500 प्रकार के जानवरों का चर्चा इसमें था, जिसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमलम रखा. तो इस पुस्तक के बाद ही दुनिया में पहली बार जीवों से संबंधित अध्ययन की शुरुआत हुई, और इसलिए अरस्तु को एक विशेष दर्जा दिया जाता, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का पिता, क्योंकि जो भी काम सबसे पहले करता है उस विषय का उन्हें पिता माना जाता है. और इस रूप में अरस्तु ने पहला काम किया, एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलम के रूप में, और इसी के कारण इनको फादर ऑफ बायोलॉजी होने का सम्मान प्राप्त है. तो जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का पिता कहते किनको है, तो ये ध्यान रखना है कि अरस्तु का कई काम है अलग अलग विषयों में, और यहां भी एक महत्वपूर्ण काम. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बायोलॉजी के क्षेत्र में पहला काम तो था ही, लेकिन इसी क्षेत्र में चूंकि यह काम जानवरों से संबंधित था, और जानवरों के बारे में कोई भी विषय, कोई भी अध्ययन करने का शुरुआत इन्होंने किया, और इसलिए इनको जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है. तो दो बातें यहां ध्यान रखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं तो अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं उनका भी नाम अरस्तु के रूप में ही आता. तो ये एक शुरुआत. इसके बाद इन्हीं से प्रेरित होकर एक व्यक्ति जिनका नाम थियोफ्रेटस, इन्हीं का शिष्य, इन्हीं का स्टूडेंट, इन्हीं के समकक्ष काम करने वाला, तो जब इन्होंने एनिमल के बारे में चर्चा कर दिया तो थियोफ्रेटस ने इनसे आगे बढ़ करके एक पुस्तक लिखी. पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरा, जैसे ये हिस्टोरिया एनिमल है, जस्ट लाइक हिस्टोरिया प्लांटेरा. तो हिस्टोरिया मतलब इतिहास, और प्लांटेरा मतलब प्लांट, अर्थात पौधों का इतिहास. तो यहां जानवरों का इतिहास और यहां पौधों का इतिहास, और यहां पर इन्हीं से मिलता जुलता 500 प्रकार के प्लांट्स की चर्चा किया है. प्लांट्स मतलब पौधा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स किसको कहते हैं, एनिमल किसको कहते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होता है इसका. तो यहां 500 प्रकार के पौधों की जानकारी दिया, और हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि प्लांट का अध्ययन बोटनी के अंतर्गत होता है, और इसलिए इनको बोटनी का पिता कहा जाता है.
तो ये ध्यान रखेंगे कि बॉटनी का पिता पूछ दे, वनस्पति विज्ञान का पिता पूछ दे, तो आपको आंसर क्या करना है, थियोफ्रेटस। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेला और एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरा, एक में 500 प्रकार के एनिमल की चर्चा, एक में 500 प्रकार के प्लांट की चर्चा। जब एनिमल की चर्चा करते हैं तो उसे जूलॉजी कहते हैं, जब प्लांट की चर्चा करते हैं तो बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी की शुरुआत किया अरस्तु ने, इसलिए अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहते हैं। चूंकि प्लांट की शुरुआत थियोफ्रेटस ने किया, इसलिए इनको बॉटनी का पिता या वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और ये बात हो रही है कब, लगभग 384 बीसी और 322 बीसी के बीच, जो बहुत पुराना काल है, और तब से बायोलॉजी की शुरुआत हो गई। लेकिन बायोलॉजी जो शब्द है ये एक बहुत ही बाद में उपयोग में आने वाला वर्ड है। दुनिया में इसका अस्तित्व यहां से लगभग 2000 वर्ष बाद आया, और ये काम 1801 ईस्वी में दो व्यक्ति लेमार्क और ट्रेविरेनस ने पहली बार इस वर्ड का या पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, जिसको बायोलॉजी के नाम से आज हम पढ़ते, जो एक यूनानी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में दो शब्दों के मिलने से बायोलॉजी बनता है। एक का मतलब बायोस है और दूसरे का मतलब लोगस है। बायोस मतलब लाइफ और लोगस मतलब स्टडी। तो जीव विज्ञान की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जीव विज्ञान शब्द बहुत बाद में आया 1801 ईस्वी में, जो दो शब्दों के मिलने से बनता है, यूनानी वर्ड बायोस प्लस लोगोस। अर्थात अब जो हम समझते हैं कि जीवन का अध्ययन जो है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। अर्थात बायोलॉजी एक विषय विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन हो। और जीवन, हम पिछले ही क्लास में कहें कि जीवन दो ही चीज में है, या तो पौधे में है नहीं तो एनिमल में, और इन्हीं दोनों को जब हम अध्ययन करते हैं तो एक विषय का शुरुआत होता है, नाम बायोलॉजी होता है। तो कई बातें हैं जो एग्जाम में आपसे यहां पर से पूछी जाएगी, जैसे बायोलॉजी का पिता कौन, बॉटनी का पिता कौन, जूलॉजी का पिता कौन, आगे बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया, ये सब आपसे पूछा जाए। तो बायोलॉजी शब्द देने वाला दो वैज्ञानिक का नाम लेमार्क और ट्रेविरेनस। शब्द आया कब, तो 1801 ईस्वी में, लगभग बायोलॉजी विषय के शुरुआत के 2000 वर्ष बाद। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस था इस विषय के क्षेत्र में। अब यहां ध्यान रखें कि बायोलॉजी की शुरुआत एक विषय के रूप में किया गया। अब हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी में लाइफ का अध्ययन है, और इसलिए बायोलॉजी को आज वर्तमान में एक नाम से जानते हैं जिसे कॉमनली लाइफ साइंस कहा जाता है। तो अब यहां से बायोलॉजी वर्तमान में जो आज का सीन है, आज का समय है, उस बायोलॉजी को भी चेंज करके अब लाइफ साइंस कहा जाता है, जीवन का विज्ञान। क्योंकि हमने कहा बायोलॉजी में जीवन का ही अध्ययन, और इसलिए इस विषय को एक नए नाम से अब जाना जा रहा है, लाइफ साइंस के नाम से। तो यह भी याद रखना है कि लाइफ साइंस क्या है, तो बायोलॉजी ही है, जो आज लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अब यहां से आगे बढ़े तो ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बाद जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच। क्योंकि हमने कहा है कि जब अध्ययन की विषय वस्तु बदल जाता है, जब अध्ययन का पृष्ठभूमि बदलता है, किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो विषय भी बदल जाता है। और बायोलॉजी में बहुत सारे विषय हैं, हजारों ब्रांचेज हैं, उसी में से कुछ को हम लोग को ध्यान रखना होता है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर, एक शब्दावली के रूप में, कि ये शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द के बारे में क्या पढ़ा जाता है, इस शब्द में जो बायोलॉजी का ब्रांचेज है इसमें किस विषय वस्तु के अध्ययन होती है। आप जानते ही होंगे, डॉक्टर्स को देखे होंगे, चिकित्सक को, कि हर डॉक्टर अलग अलग अंगों का इलाज करता है। किडनी का करता है तो कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट है, हृदय का करता है तो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट है, मस्तिष्क का करते हैं तो कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट है, त्वचा का करता है तो कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है। अर्थात एक व्यक्ति किसी खास अंग का स्पेशलिस्ट होता है अध्ययन के दृष्टिकोण से, और उसी के आधार पर वो बीमारियों को ठीक करता है। तो जैसे ही विषय वस्तु बदलती है, ब्रांचेज बदल जाते हैं। अब ब्रांच की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचों का हमको ध्यान रखना है। तो ब्रांचेस शुरू करने से पहले दो बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच, जिसका नाम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच, जो कोई ब्रांच नहीं है, अध्ययन करने का तरीका। अध्ययन करने का तरीका मतलब किसी भी जीव का अध्ययन हम किस रूप में कर रहे हैं, क्या उनका प्रक्रिया। तो जब अध्ययन के तरीके के आधार पर जब देखते हैं, तो उसी के आधार पर जीव विज्ञान में दो ब्रांचेज है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में ध्यान रखना है कि जब हम किसी जीव का बाहरी संरचना का अध्ययन करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, जो हमें आंखों से दिखे, तो जब बाहरी संरचना देखकर अध्ययन किया जाए तो कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सिंपली पूछिएगा कि मॉर्फोलॉजी में क्या अध्ययन होता है,
तो जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। अब आगे बढ़ें तो दूसरा है एनाटॉमी, और एनाटॉमी एक स्पेशल ब्रांच जब हम जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जब इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी अध्ययन करना होगा तो शरीर के अंदर जाना पड़ता है, शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, और इसके लिए शरीर को काटने की जरूरत पड़ती है, और जहां भी कटिंग छटिंग हो, कहीं भी काटने की जरूरत पड़ जाए चाकू से शरीर को, तो वो सिस्टम टॉमी के नाम से जाना जाता है। और यहां चूंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है तो काट छाट होती है, तो ब्रांच एक नया है, कौन? एनाटॉम। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ दे कि आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किस ब्रांच में करेंगे, तो नाम आएगा किसका? एनाटॉमी। तो ये दो ब्रांच जब अध्ययन करते हैं तो जीव में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल, कोशिका। और जब सेल का अध्ययन किया जाए, जब किसी कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाए कि कोशिका की संरचना क्या, कोशिका के कार्य का, कोशिका कैसे बनती है, कोशिका कैसे फंक्शन करती है, तो उसके लिए एक अलग ब्रांच ही है, साइटोलॉजी। और एक चीज ध्यान रखना है कि साइटो वर्ड जहां भी लगा रहे इसका मतलब ही सेल होता है। साइटो वर्ड सेल के लिए ही आता है, अर्थात सेल का अध्ययन क्या? साइटोलॉजी कहते। सेल जब बड़ा रूप लेता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको टिश्यू कहते। टिश्यू को नॉर्मली ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है। जब ग्रुप में कोशिकाएं काम करने लगे, समूह में काम करने लगे, तो ग्रुप ऑफ सेल का नाम टिश्यू हो जाता है। अर्थात टिश्यू का अध्ययन किस ब्रांच में? तो हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन बाहरी संरचना, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना का अध्ययन, साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कई चीज को अलग से, साइटोलॉजी पढ़ना, हिस्टोलॉजी पढ़ना। आगे ध्यान दें तो एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट कि जब किसी जीव का, किसी जानवर का संरचना देखते हैं तो सबसे पहले हमें त्वचा ही दिखाई देता है, और त्वचा को बायोलॉजी में डर्म कहा जाता है। डर्मिस मतलब त्वचा होता है, और उसी से एक ब्रांच आया है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब त्वचा का अध्ययन। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी त्वचा का अध्ययन किया जाए तो एक नया ब्रांच है डर्मेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं तो शरीर में मांसपेशियां मिलती है, मसल्स, जिसको सामान्य भाषा में मांस कहते हैं। तो मसल्स या मांसपेशियां देखे होंगे सब लोग, सिक्स पैक्स, एट पैक्स बनाते हैं तो मसल्स दिखता। तो मसल्स की बात जब भी आएगी तो वो ब्रांच मायोलॉजी कहलाएगा। तो मायोलॉजी में किसका अध्ययन? तो मसल्स या पेशी का अध्ययन। आगे बढ़े तो हड्डियां मिलती है, बोन। और जब बोन का अध्ययन किया जाए, हड्डियों का अध्ययन किया जाए, तो ब्रांच बदल जाता है, नाम होता है ऑस्टियोलॉजी। तो ये ध्यान रखना। अब एक है वर्ड, एक ब्रांच है हिमेटोलॉजी, और हिमेटोलॉजी वर्ड आया हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, तो वहीं से वर्ड निकल करके आया। अर्थात हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी। बोन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। अब यहां ध्यान रखना है कि ये सब अलग अलग ब्रांचेज जो हम लोग को आगे पढ़ना। अब आगे बढ़ें तो कई और महत्वपूर्ण ब्रांचेज जिसमें कई महत्वपूर्ण ब्रांचेज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता। जैसे कुछ ब्रांचों को हम लोग को देखना है, बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता। एक ब्रांच है, नाम है, अगला ब्रांच नाम है इक्थियोलॉजी, और इक्थियोलॉजी का मतलब मछली का अध्ययन, फिश। तो एग्जाम में पूछता है अक्सर कि इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मछलियों का अध्ययन। दो टर्म है यहां पर, एक पीसी कल्चर और एक इक्थियोलॉजी। तो पीसी कल्चर में मछली का पालन करते हैं, और एक थियोलॉजी में मछली का अध्ययन करते हैं। दोनों दो चीज है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। एक थियोलॉजी जहां भी पूछ दे, मछली का अध्ययन। नेक्स्ट है एक ब्रांच, नाम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब इंसेक्ट का अध्ययन। इंसेक्ट मतलब कीट होता है, हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट को कीट में, एक अलग वीडियो में, अलग चैप्टर। तो ध्यान रखना कि जब इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं तो एंटोमोलॉजी। आगे बढ़े तो एक ब्रांच से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हर्पेटोलॉजी, और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, और सरीसृप का मतलब
वैसे प्राणी पृथ्वी पर जो रेंग कर चलते हैं, पांव का इस्तेमाल कम करते, सरक कर चलते हैं, घसीट कर चलते, तो ये ध्यान रखना है कि जब सरीसृप का अध्ययन किया जाए तो हर्पेटोलॉजी। आगे बढ़ेंगे तो इसी में कई और ब्रांचे, एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है पक्षी का, वर्ड्स का। तो जब वर्ड्स का अध्ययन हो, पक्षी का अध्ययन हो, तो नाम ऑर्निथोलॉजी हो जाता है। इसके बाद एक ब्रांच है, नाम है, एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डक्टाइलोग्राफी, और डक्टाइलोग्राफी के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्ययन है, नाम है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए कि डीएनए सीक्वेंस हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और वही उसकी पहचान होती है जो उसे माता पिता से मिलता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की जब भी बात आएगी तो डक्टाइलोग्राफी को ध्यान रखें। आप सुने होंगे किसी का डीएनए टेस्ट होता है, जब कोई समस्या आ जाती है, क्रिमिनल्स या लीगल कोई मैटर फंस जाता है, तो अदालत आदेश देती है कि डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाए, और इस हिसाब से किसी भी खोए हुए बच्चे का माता पिता या किसी माता पिता के खोए बच्चे की पहचान हो जाती है। इसके द्वारा क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में मदद मिलता है, आपराधिक मामले सुलझाए जाते हैं, और इसीलिए एग्जाम में आजकल इसको बार बार पूछा जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का टेस्ट अभी भारत में हैदराबाद में होता है, तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का टेस्ट कहां होगा, तो ये ध्यान रखेंगे हैदराबाद में होगा। अब आगे बढ़ें तो कई और महत्वपूर्ण ब्रांचेज, जिसमें एक ब्रांच है, नाम है, ब्रांच का नाम जेरोंटोलॉजी, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन होता है जिसको एजिंग कहते हैं। तो एजिंग या बुढ़ापे की बात आए कि क्यों उम्र ढलता है, क्यों कोई व्यक्ति या कोई पौधा धीरे धीरे उम्र के साथ बूढ़ा हो जाता, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से ऐसे चीजें हैं जो बुढ़ापे की तरफ ले जाता है किसी भी जीव को, तो इसके लिए एक अलग ब्रांच ही है, नाम है जेरोंटोलॉजी, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे तो एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है नियोनैटोलॉजी, और नियोनैटोलॉजी के अंतर्गत नवजात शिशु का अध्ययन होता है जिसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं। तो जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उस बच्चे से सारे संबंधित अध्ययन इस ब्रांच में होते हैं जिसको नियोनैटोलॉजी कहा जाता, और ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच। इसके अलावा आगे बढ़ें तो एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंतर्गत दो चीज का अध्ययन, एक का नाम हेरिडिटी और दूसरे का नाम वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब वंशानुगति है, और वेरिएशन का मतलब विविधता होता है। तो वंशानुगति का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्यों जाते हैं, बच्चे का शक्ल, सूरत, बॉडी का करर या जो भी बनावट है वो माता पिता से मिलता है, तो ये क्यों मिलता है। कभी कभी किन्हीं बच्चों के स्वरूप, उनका आकार, उनका बनावट माता पिता से भिन्न हो जाता, तो कोई क्यों समान होता है, कोई क्यों भिन्न होता, तो समान होता है तो हेरिडिटी कहते हैं, भिन्न होता है तो वेरिएशन कहते हैं। तो इसी को समझने के लिए कि वंशानुगति क्या है, क्यों समान है और भिन्न क्यों है, इसी का अध्ययन जब करते हैं तो एक ब्रांच है, नाम आ जाता है जेनेटिक्स। अब आगे बढ़े तो कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच है, और एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांच का नाम यूजेनिक्स, दूसरा यूफेनिक्स और तीसरा यूथेनिक्स। तो ये तीन महत्वपूर्ण ब्रांच, और तीनों का उद्देश्य एक ही है, मानव नस्ल को विकसित करना, मानव नस्ल को विकसित करना। तो मानव नस्ल जो ह्यूमन का नस्ल है पूरे वर्ल्ड में, वो अलग अलग रूप में कई तरह की समस्याएं हैं उसके साथ, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई डेवलप नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर है,
कुछ अनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित है, तो मनुष्य जो होना चाहिए एक सफिशियंट, ताकतवर, एफिशियंट, हर मामले में सुदृढ़, उसको काम करने के लिए, उसी मानव नस्ल को विकसित करने के लिए तीन ब्रांचेज है बायोलॉजी, जिसको यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स कहते हैं। तो यूजेनिक्स की जब चर्चा होती है तो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत हम जेनेटिक्स का रूल फॉलो करते हैं, अनुवांशिकी का, जो अभी आपने देखा। तो जब अनुवांशिकी का नियम को बना करके किसी बच्चे का जन्म दिया जाए, पहले से ही प्लान कर लिया जाए कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, और उस रूप में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी को इस साइंस में यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है, जो आजकल डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है। लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, बच्चे में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। तो ये जो काम होता है वो इस ब्रांच के अंतर्गत, जिसको यूजेनिक्स कहते हैं। दूसरा ब्रांच है यूफेनिक्स, और यूफेनिक्स का मतलब समझना है कि वैसे रोग जो जेनेटिकल होते हैं, जेनेटिकल का मतलब माता पिता से कुछ बीमारियां बच्चों में चला जाता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सुने होंगे आप लोग, वर्ण अंधता कहते हैं, आंखों से कलर नहीं पहचान पाते, और कलर ब्लाइंडनेस माता पिता से बच्चों में जाता है। तो ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एक बीमारी है हीमोफीलिया, जो ब्लड को जमने से रोक देता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, तो हीमोफीलिया, वाल्डनेस, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तो हम ऐसा ज्ञान डेवलप करें जिससे इस बीमारी को ठीक कर दिया जाए, जन्म के पहले ये बीमारी ना होने दिया जाए, तो अगली पीढ़ी में बच्चे बीमारी से बच जाते हैं, और तब जो अगला पीढ़ी होता है वो मानव का एक डेवलप नस्ल होता है। तो जब जेनेटिकल बीमारी को ठीक करके, आनुवांशिक रोगों को हटा करके, दूर करके कोई मानव नस्ल विकसित किया जाए, तो वो ब्रांच क्या कहलाता है, तो उसे हम यूफेनिक्स कहते हैं। और तीसरा ब्रांच है यूथेनिक्स, और यूथेनिक्स में ध्यान रखना है कुपोषण। कुपोषण का मतलब वैसा बच्चा जिसे भोजन प्रॉपरली नहीं मिलता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स नहीं मिलते हैं, तो वैसे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और जो जब जवान होते हैं तो वो उतने कारगर, उतने सक्षम नहीं होते हैं जितना एक प्रॉपर पोषित बच्चा होता है। तो कुछ बीमारी भोजन की वजह से होता है, जिनको भोजन मिलता ही नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्वासियोरकर और मिरास्मस नामक बीमारी होती है। तो ये बीमारी को जब हम ठीक कर दें, भोजन उपलब्ध करा दें, कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो भूखा रहे, हर चीज उसको मिले, तो मानव नस्ल डेवलप होगा, वो आने वाले समय में बहुत ही सक्षम, बहुत ताकतवर होगा। और इसी को ध्यान में रख करके जब काम होता है तो ब्रांच यूथेनिक्स कहलाता है। तो तीन ब्रांच अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स। जब हम जेनेटिक्स का रूल करके मानव नस्ल को डेवलप करें तो यूजेनिक्स, जब आनुवांशिक रोगों को ठीक कर दें तो यूफेनिक्स, और जब कुपोषण को दूर कर दें तो यूथेनिक्स। तो तीनों का डिफरेंस ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वर्ड मिलता जुलता है, और इसलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ें तो कुछ पौधों से संबंधित इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उनको देख लेंगे एक एक कर। तो अगला जो ब्रांच है, प्लांट से संबंधित एक ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है फाइकोलॉजी, अक्सर पूछा जाता, अक्सर एग्जाम में बैठेंगे ये मिलेगा। और फाइकोलॉजी के अंतर्गत एल्गी का अध्ययन करते हैं। एल्गी का मतलब सैवाल होता, सैवाल जिसको हम नॉर्मल भाषा में काई कहते हैं, वैसा सूक्ष्म प्लांट जो दिखता नहीं है, कहीं भी नमी हो, कहीं भी मॉइस्चर हो तो वहां एक फिसलन हो जाती है, काई लग जाता है, तो वही काई क्या है, सैवाल है। और उस सैवाल का जब अध्ययन करते हैं तो एक ब्रांच है फाइकोलॉजी। तो अक्सर पूछिएगा कि सैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या, तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट एक ब्रांच है माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन एक अलग प्लांट का, नाम है फंगी, और फंगी का मतलब कवक होता है, और कवक वैसे पौधे को कहते हैं जो सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करे। गोबर सड़ता है तो उस पर गोबर छत्ते उगाते हैं, रोटी बासी हो जाए तो उस पर एक भुए जैसी फफूंदी उग जाते हैं। मशरूम को देखे हैं कि मशरूम सड़े गले चीजों पर डेवलप होता है, तो ऐसे पौधे को ही फंगी कहते हैं, कवक। और जब इसका अध्ययन करेंगे तो वो ब्रांच माइकोलॉजी कहलाएगा। अब इसी में दो इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक है
एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब याद रखना है फ्लावर का अध्ययन। फ्लावर मतलब पुष्प होता और पौधों में फ्लावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना, और जब फूलों का अध्ययन करते हैं तो ये ब्रांच एंथोलॉजी कहलाता। इसके बाद कुछ और ब्रांचेज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाए, एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी का मतलब समझना है फ्रूट का अध्ययन। फ्रूट मतलब फल होता है, तो फल का जब अध्ययन करेंगे तो ब्रांच पोमोलॉजी होगा। फल का अध्ययन पोमोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। अब आगे बढ़े तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, नाम है डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी का मतलब झाड़ी या बूसेज का अध्ययन। बूसेज मतलब झाड़ियां होती, तो झाड़ियां जो छोटे छोटे पौधे हैं जब उनका अध्ययन करते हैं तो एक ब्रांच आ जाता है, नाम है डेंड्रोलॉजी। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा मिलता जुलता वर्ड है, नाम है डेंड्रो क्रोनोलॉजी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और डेंड्रो क्रोनोलॉजी का मतलब है वृक्षों के उम्र निर्धारण का अध्ययन। मतलब ये वृक्ष कितना पुराना है, कितना साल पहले ये डेवलप हुआ है। तो जब वृक्ष का उम्र पता लगाना हो तो एक अलग ब्रांच है, नाम है डेंड्रो क्रोनोलॉजी, जिसमें एक तरीका होता है कि हम तना में मौजूद रिंग, रिंग मतलब छल्ला होता है बलय, तो तना में मौजूद बलय को गिनते हैं, और जब बलय को गिनते हैं तो जो गिनती करके संख्या मिलती है वही वृक्ष का उम्र होता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता कि वृक्षों का उम्र निर्धारण होता है किस आधार पर, तो बलय की संख्या को गिन करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ें तो चूंकि बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये साइंस का एक पार्ट है, और पिछले क्लास में चर्चा हुई थी कि साइंस दो पार्ट में है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल साइंस में है और बॉटनी जियोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस में है, एक भौतिक विज्ञान और एक जैविक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ध्यान देते होंगे कि ये कुछ लॉ और थ्योरी पर आधारित, कुछ नियम और सिद्धांत पर चलता है। जैसे पढ़ते होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। केमिस्ट्री में भी कई नियम से, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो नियम है ये सिर्फ फिजिकल साइंस में चलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में भी नियम थ्योरी आते हैं, लेकिन वो थ्योरी एक समय के साथ वो फुलफिल नहीं कर पाते अपने सिद्धांत। मतलब कुछ समय के बाद कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो वो नियम और सिद्धांत अमान्य हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फिजिकल साइंस जब भी होगा तो लॉ ऑफ थ्योरी के आधार पर चलेगा, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस में भी थ्योरी है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोई भी थ्योरी आएगा यहां तो ऐसे कुछ चीजें आ जाएगी जो इस थ्योरी को मानने से इनकार कर देगी, और तब कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद कहते हैं, और ये अपवाद बायोलॉजिकल साइंस में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, और इसलिए बायोलॉजी को साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि साइंस ऑफ एक्सेप्शन के नाम से, एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है किस विज्ञान को, तो हम लोग कहेंगे क्या, बायोलॉजी को, और नहीं तो बायोलॉजिकल साइंस। तो कई अपवाद पढ़ना है हम लोग, और उसी में कुछ अपवाद मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, बाकी आगे हम लोग जब चैप्टर आएगा तो उसकी चर्चा होगी। जैसे कुछ अपवाद हम बहुत महत्वपूर्ण जो आप एग्जाम में बैठते होंगे तो मिलता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो मिलेगा। जैसे एक बहुत बड़ा अपवाद है कि हम स्तनधारी को देखें, स्तनधारी का मतलब आप जानते होंगे कि वैसा प्राणी जिनके शरीर पर बाल हो, जिनके फीमेल में बच्चे देने की प्रवृत्ति हो और वो बच्चे को मां दूध पिलाती हो तो कहते हैं स्तनधारी। तो ये स्तनधारी का करेक्टर, और स्तनधारी का
जब आरबीसी की बात करते हैं तो इस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्र, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। तो आरबीसी के न्यूक्लियस में, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जीव है, एक का नाम है ऊंट और एक है लामा, कैमल एंड लामा, ये दोनों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और ये इस नियम का अपवाद है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि कौन ऐसा प्राणी है स्तनधारियों में जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, तो दो ही आंसर है, एक ऊंट है और एक लामा है, बाकी किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट अपवाद है, नाम है स्तनधारी ही, और स्तनधारी में हमने कहा कि बच्चे देने की प्रवृत्ति, सभी स्तनधारी बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन दो स्तनधारी है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है इकिडना एंड प्लेटिपस। अब ये दोनों बच्चे ना देकर के अंडे देते, और ये अपवाद है, सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन इकिडना प्लेटिपस बच्चे को नाम जन्म देकर के क्या देते हैं, अंडे देते, और इसलिए इनको अंडा देने वाला स्तनधारी कहा जाता। तो पूछेगा एग्जाम में कि कौन ऐसा स्तनधारी है जो बच्चे ना देकर अंडे देता है, तो आंसर दो ही है, कौन कौन, इकिडना और प्लेटिपस। आगे बढ़ें तो कुछ और अपवाद है, जैसे सरीसृप की बात करें, सरीसृप मतलब रेंगने वाले प्राणी, और रेंगने वाले प्राणी में हार्ट जो होता है वो तीन चैंबर का बना होता है, मतलब जितने भी सरीसृप हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब सरीसृप है। अब इसमें सब का हृदय चेक करेंगे तो तीन चैंबर मिलेगा, लेकिन अपवाद है कि मगरमच्छ को देखें तो मगरमच्छ के हृदय में चार चैंबर होता है, तो ये एक अपवाद है कि सब सरीसृप में तीन ही चैंबर होता है, लेकिन एक सरीसृप है मगरमच्छ जिसके हृदय में चार चैंबर होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण अपवाद। अब आगे बढ़ें तो एक अपवाद है, नाम है लंग फिश, जिसके मछली से संबंधित एक प्राणी, तो मछलियों में श्वसन के लिए एक अंग है, नाम है गिल्स, गिल्स मतलब गल्फर होता है, तो सभी मछलियां श्वसन के लिए गल्फर का प्रयोग करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मछली है लंग फिश, जिसके पास गिल्स तो होता ही है साथ ही लंग्स भी होता है, फेफड़ा, तो ये अपवाद है। तो एग्जाम में पूछ दे कि कौन ऐसी मछली है जिसमें गिल्स के साथ साथ फेफड़ा भी होता है, तो याद रखना किसको, लंग फिश, तो ये एक अपवाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपवाद जिससे पता लगता है कि बायोलॉजी में बहुत सारे अपवाद हैं। तो ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें इंट्रोडक्शन कि जीव विज्ञान है क्या, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेज क्या क्या है, किन किन लोगों ने इस विषय को एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में मदद किया, किन किन का योगदान रहा, तो अरिस्तु का नाम याद रखना है, थियोक्रेटस का नाम याद रखना है, लेमार का, ट्रिविलियनस का नाम याद रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने अपने दूसरे वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा मेन विषय वस्तु बायोलॉजी का, और बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे हम लोग इस परिचय वाले अध्याय के बाद मेन विषय वस्तु से, जो हमारे अगले वीडियो में जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो थैंक यू, सब लोग इससे जुड़े, देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने का सुझाव दें, ताकि उन्हें आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में काफी लाभ हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर बायोलॉजी का, जो साइंस के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, उसके रूप में प्रस्तुत किया गया। तो थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जो बायोलॉजी का मेन विषय होगा।